Hello everyone, Nivedita is here, and the video based on the topic reproductive health and the STDs. Okay, this is a topic from class 10th science and chapter number 8. Uh, this is the last topic of this chapter. Okay, so we will know what is uh, uh, reproductive health and what are the stds okay so begin with reproductive health reproductive life of human beings begins at puberty puberty you know very well before the puberty there is a juvenile phase and puberty means when there is the development of secondary sexual characters. Okay, that is the stage of puberty. Means it is the age of 12 to 12-13 years. Okay, and this from the puberty it continues throughout the life in males, but but it is up to menopause in females. Okay, this is the difference.

की भी फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है सोसाइटी में ओके फॉर द इंडिविजुअल वेल सो बिगिन तो तो वो तो हो गया कि क्यों जरूरी है ओके नाउ आल्सो कॉल्ड एज वेनेरियल डिजीजेस ओके एक्चुअली एस टी डी सेक्सुअली ट्रांस Transmitted diseases. These are the STDs. Okay, the full form of STD is sexually transmitted diseases. So these are the diseases which are caused by bacteria, virus, protozoans, fungi, and many more kinds of pathogen. So you know very well you have gone through ki this is also called as the infectious disease. Okay, infectious disease to called नाइन्थ में भी पढ़ा है और उसके पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होती है इन्फेक्शस डिसीज़ disease, वो डिजीजेस होती है जो बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजन फंजाइया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं ओके दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ सो सिमिलर टाइप ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस दे आर कंसर्न विद द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओके And these are transmitted through the sex, and that's why such kind of infectious diseases are called as STDs. Okay, they are the infectious disease actually, but their mode of transmission is the uh, sex. Okay, so these diseases are called as the sexually transmitted diseases, and uh, we have the common examples common STDs are gonorrhea. Syphilis and AIDS. Okay. And uh, when we talk of these diseases, so out of these three, gonorrhea and syphilis, these are the bacterial diseases. So uh, you have the examples of bacterial STDs. Okay. And when we say of AIDS, so this is caused by the virus called HIV. Okay.

तो एवरी वन नोज वेन वी टॉक ऑफ द कोविड नाइन्टीन ओके जब हम कोविड नाइन्टीन की बात करते हैं कोरोना की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं uh, ये वर्ड सभी ने सुना है कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन पर इसका अटैक जल्दी नहीं हो, नहीं होगा तो दैट इज द इम्यून सिस्टम ओके विच गिव्स अस द स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस फॉर द पैथोजेंस ओके तो एड्स के केस में जो वायरस होता है वो वायरस इम्यून सिस्टम पे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उसके बाद कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जाएगा तो विल मल्टीप्लाई वेरी फास्ट क्यों क्योंकि बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी नाउ वॉट आर द वे बाय दिस कैन बी ट्रांसमिटेड

सिरिंज को या नीडल्स को शेयर करते हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है ओके okay, ट्रांसमिशन का एक वे हो सकता है एंड नेक्स्ट वन इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड ओके सो दीज आर द वेज ओके नाउ एनादर टॉपिक इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड दैट इज़ द पॉपुलेशन कंट्रोल एवरी वन नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ओके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है मीन्स पॉपुलेशन का बढ़ते जाना बढ़ते जाना इंक्रीज होना सो देर इज़ अ नीड टू हैव अ जनरल अवेयरनेस इन अवर सोसाइटी रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिलीज ओके okay, क्योंकि पॉपुलेशन का एक्सप्लोड होना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो इट कैन गिव राइज टू मेनी प्रॉब्लम्स ओके बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हो सकती है सोसाइटी के लिए भी और कंट्री के लिए भी ओके सो दिस कैन बी डन बाय कीपिंग सफिशिएंट स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव बर्थ एंड प्रिवेंशन

सेकेंड इज द कैमिकल मैथड दैट इज समाइप ऑफ पील्स देर एंड सर्जिकल मैथड्स देर आर टू सर्जिकल मैथड्स ट्यूबैक्ट ट्यूबेक्टोमी एंड वेसोक्टोमी इनके नाम ऐसे क्यों हैं ट्यूबैक्टोमी मीन्स द सिस्टन इन द फीमेल्स इसको याद रखने के लिए फेलोपियन ट्यूब को याद रखो फेलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल्स में हुआ करती है ओके तो दैट इज सिंपली दिस इज अ सर्जिकल मेथड दैट इज कट एंड टाइट पूरी प्रोसेस जो हुआ करती है उसमें ट्यूब फिलोपन ट्यूब को कट करके या कट कर दिया जाता है या टाई कर दिया जाता है ओके सो दिस इज ट्यूबेक्टोमी सो दिस इज डन इन द फीमेल एंड वेसेक्टोमी सो यू कैन कीपस्ट डिफरेंस जो है वो एक ट्यूब है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो वैसेक्टोमी दैट इज ऑल्सो कट एंड टाइट Uh, during the surgery so this is done in the female okay so this video has covered the topic one why do we give importance to the reproductive health secondly why do we need to check population and thirdly what are stds and how do they Transmit okay, so these topics have been covered in this video. Okay, and after that, you will get an assignment sheet because this is the last topic of this chapter. Okay, reproduction in organism. This is so. Thank you.